जी नमस्कार सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 10 विषय गणित, इसके अंतर्गत अध्याय 16 और उसमें उदाहरण नंबर 4, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो वीडियो के माध्यम से जो भेजे गए HW बराबर हल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो भी आपको HW दिया जा रहा है उस HW को बराबर हल करते रहना है, पहली शर्त तो ये। दूसरा ये है कि जितनी प्रश्नावली आपको ऑनलाइन पढ़ाई गई है उनके अंदर जितने सूत्र आपको लिखाए गए हैं वे सारे सूत्र याद होना जरूरी है। अभी जैसे अध्याय 16 चल रहा है तो इसमें भी आपको सूत्र लिखाए वे सारे सूत्र याद है या नहीं है, या इसके पहले जो भी प्रश्नावली आपको पढ़ी है वे सारे सूत्र याद है या नहीं, तो सबसे पहले सूत्र याद होना जरूरी है। सूत्र याद होने पर ही हम क्या है कि कोई सा भी सवाल है, कोई सी भी प्रश्नावली, उसको हम आसानी से, उन सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए सूत्र याद होना जरूरी है। तो सूत्रों को याद करिए और दूसरा जो भी आपको HW दिया जाता है उसको भी आप बराबर हल करते हो, ठीक है। अब आज जैसे उदाहरण नंबर 4 हम देखते हैं, एक खोखले बेलन, बेलन कैसा आपके पास में खोखला, उसकी ऊंचाई दी हुई है 21 डेसीमीटर तथा इसके बाह्य व्यास व अंतः व्यास क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करो। अब बेलन का आयतन ज्ञात करना, लेकिन बेलन कैसा आपका, बेलन आपका खोखला है, तो खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र याद होना जरूरी सबसे पहले। दूसरा, इसके अंदर बाह्य व्यास व अंतः व्यास दिया हुआ है। बाह्य व्यास आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो बाहर की व्यास है इसके, बाहर की त्रिज्या, व्यास की आधी होती है, तो ये क्या हो जाएगी आपके 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 का आधा 5 हो गया। बाहर वाली त्रिज्या क्या है, बड़ी होती है, और अंदर वाली त्रिज्या क्या है, छोटी होती है, तो बड़ी त्रिज्या है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको R1 नाम देंगे, ठीक है। यानी बाह्य R1 बराबर क्या हो गया आपके 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से अंतः व्यास, अंदर वाला व्यास है वो क्या है आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अंतर त्रिज्या आपकी आधी हो जाएगी, ये कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। अब अंदर वाली त्रिज्या छोटी है इसलिए हम क्या इसको R2 के नाम से, ठीक है। बेलन कैसा आपका खोखला है, आप देखो इस आकृति को देखो, इस आकृति में ये बाहर वाली त्रिज्या हो गई और ये अंदर वाली त्रिज्या हो गई, बाहर वाली त्रिज्या 5 सेंटीमीटर जिसको R1 के नाम से, और अंदर वाली त्रिज्या जो अंदर की तरफ है लेकिन ये 3 सेंटीमीटर की है, इसको अब R2 के नाम से। दूसरा क्या है कि हमारे को ऊंचाई दी हुई, अब ऊंचाई क्या है हमारे को डेसीमीटर में दी हुई, तो आपको इकाई को वापस चेंज करना है क्योंकि व्यास जो हमारे को दिया हुआ था वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या ऊंचाई जो दे रही थी वो डेसीमीटर में दी हुई, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको पहले इकाई को चेंज करेंगे। तो हमारे को याद होना जरूरी है, क्या याद होना जरूरी है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कितना डेसीमीटर आ रहा है, 21 डेसीमीटर आ रहा है, तो 21 को हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास में h बराबर क्या हो जाएगी 210 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई क्या हो गई आपकी 210, यानी 21 को हमने क्या किया 10 से गुणा कर दिया, ठीक है। h बराबर हो गई आपके 210 सेंटीमीटर, बाह्य R1 बराबर 5 सेंटीमीटर, अंतः R2 बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, खोखला बेलन है तो खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखना है, तो आयतन ज्ञात करने का सूत्र खोखले बेलन का क्या होता है, पाई कोष्ठक R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग कोष्ठक में लिखेंगे √ h। अब पाई की जगह पाई का मान 22/7, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक R1 बराबर R1 छोटे कोष्ठक में लिखेंगे 5 का वर्ग, R1 यानी कि कितनी दी हुई है हमारे पास 5 है, तो R1 की जगह लिखेंगे हम 5 का वर्ग माइनस R2 बराबर कितनी है, R2 बराबर आपके 3 सेंटीमीटर है, तो हम R2 की जगह लिखेंगे 3 का वर्ग, ठीक है। वापस कोष्ठक को बंद कर देंगे इंटू h बराबर कितनी है 210 सेंटीमीटर, ठीक है। वापस 22/7 तो ऐसे कैसे, अब यहाँ क्या हमारे पास में सरल समीकरण बन गई तीसरी सरल समीकरण के हिसाब से
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जो कोष्टक के अंदर है इनको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो 22 बटे 7 तो ऐसे कैसे लिखना है। अब यहां क्या करेंगे, हम पहले कोष्टक में तो 5 प्लस 3 करेंगे इनटू दूसरे कोष्टक में 5 माइनस 3 करेंगे, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इनटू 210 ऐसे कैसे। ठीक है, एच की जगह 210 ही है तो इंटू 210 ऐसे कैसे। अब ये पटरी इसको काट दिया, जैसे 7 एकम 7 से इसको काटा तो 30 बार कट गया। उसके बाद 22 की जगह 22, 5 और 3 को जोड़ा तो क्या हो गया 8 हो गया, इंटू 8। इसी तरह से इंटू 5 में से 3 निकल गए तो कितने बचे 2, तो ये इंटू 2 हो गया, और इंटू काटने के बाद में कितना बचा 30 था, तो ये इंटू 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सब संख्याओं को गुणा करेंगे, पहले 22 को 8 से गुणा किया फिर जो उत्तर आया उसको 2 से गुणा किया फिर जो उत्तर आया उसको 30 से गुणा किया, ऐसे गुणा करने के बाद में हमारे पास में क्या आया 10,560 घन सेंटीमीटर। आयतन है इसलिए आयतन की इकाई या तो घन लगा दीजिए या फिर घात के रूप में 3 लिख दीजिए। ठीक है, इसलिए खोखला बेलन है, खोखले बेलन का आयतन हमारे पास में कितना आ गया 10,560 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमने आज इस प्रश्न को देखा उदाहरण नंबर 4। लेकिन आकृति आपके खोखला बेलन था और खोखला बेलन है इसलिए बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे को पूछा था, व्यास दिया हुआ था, पहले त्रिज्या निकाली, दूसरा हमारे को क्या को ऊंचाई जो दी हुई थी डेसीमीटर में थी, तो डेसीमीटर को भी हमने पहले क्या किया सेंटीमीटर में बदला, उसके बाद हमने क्या कि जो भी सूत्र इससे संबंधित था सूत्र लिख के सूत्र में मान रखा। ठीक है, अब आपको एचडब्ल्यू में भी क्या करना है, इसी प्रश्न का आज दोहरान करना है, लेकिन इसके पहले वीडियो अच्छी तरीके से देखना है। वीडियो अच्छी तरीके से देखने के बाद हम क्या करेंगे, इसी प्रश्न को एचडब्ल्यू की कॉपी में हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले हमको वीडियो अच्छी तरीके से देखना है, और एचडब्ल्यू की कॉपी में पहले हम क्या करेंगे वीडियो देखेंगे बिना देखे हल करने की कोशिश करेंगे। सूत्रों को बराबर हल करते रहना है, एचडब्ल्यू जो भी दिया है उसको भी हम बराबर हल करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।